हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करेंगे कि एस ग्रेनिंजा और एस का जो ड्रैगनेट है उनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो भी होगी पूरी तरीके से फैन मेड, तो अब ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में होंगे 3 राउंड्स और जो सबसे ज्यादा राउंड जीतेगा वही विनर होगा। तो चलो हम चलते हैं अब राउंड नंबर 3 की तरफ। तो इस राउंड में हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही पोकेमोनों के मूव्स और इनकी टाइपिंग के बारे में। तो जो हमारा ग्रेनिंजा है ये वाटर और डार्क टाइप, और वहीं पर जो हमारा ड्रैगनेट है वो है फ्लाई और ड्रैगन टाइप, जो कि दोनों की ही टाइपिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी जो हमारा ग्रेनिंजा है इसकी टाइपिंग थोड़ी रेयर है ड्रैगनेट के मुकाबले। और बाकी अगर हम बात करें दोनों ही पोकेमोनों के मूव्स की, तो जो हमारा ड्रैगनेट है ये काफ़ी अलग अलग तरीके के मूव सीख जाता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे पंचेज होते हैं, जैसे कि हो गया फायर पंच या इलेक्ट्रिक पंच। तो इस वजह से ये अलग टाइप के मूव्स भी सीख जाता है, जो कि ग्रेनिंजा के लिए परेशानी बन सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें अपने ग्रेनिंजा के मूव्स की, तो ये शैडो स्नेक, हाइड्रो वो वाटर शुरिकन जैसे मूव सीख जाता है। लेकिन जो मूव्स का एडवांटेज है वो है हमारे ड्रैगनेट को, क्योंकि वो काफ़ी अलग अलग टाइप के मूव सीख जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक टाइप का थंडर पंच, जो कि हमारे जो ग्रेनिंजा है इस पर इफेक्टिव रहता है। और इस वजह से जो हमारा ग्रेनिंजा है ये काफ़ी आसानी से हार सकता है ड्रैगनेट से, क्योंकि जो वाटर टाइप मूव्स होते हैं वो ड्रैगनेट के कम डैमेज करते हैं, और जो हमारा ड्रैगनेट है वो इलेक्ट्रिक टाइप के मूव्स भी यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से जो हमारा ड्रैगनेट है वो इस मैच को काफ़ी आसानी से जीत जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने राउंड नंबर 2 की तरफ। तो इस राउंड में हम बात करेंगे इन दोनों ही पोकेमोनों के बेस्ट स्टैट्स की। तो देखो जो हमारा ग्रेनिंजा है इसके बेस्ट स्टैट्स से 530, और वहीं पर जो हमारा ड्रैगनेट है इसके बेस्ट स्टैट्स से 600। लेकिन यार देखो इसमें एक ट्विस्ट है कि जब ग्रेनिंजा अपने एज ग्रेनिंजा वाली फॉर्म में आता है तो इसके बेस्ट स्टैट्स हो जाते हैं 640, जो कि जो ड्रैगनेट है इससे 40 बेस्ट स्टैट्स ज़्यादा हैं। तो हमने भी देखा यार कि एनिमे में एज ग्रेनिंजा की फॉर्म कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और उसने कितने सारे पावरफुल पोकेमोन्स को भी हराया है। तो इस वजह से जो हमारा ग्रेनिंजा है वैसे इसी के बेस्ट स्टैट्स ज़्यादा हो जाते हैं इसके एज ग्रेनिंजा वाली फॉर्म में। तो इस राउंड का विनर होता है हमारा एज ग्रेनिंजा। तो अब हम चलते हैं अपने राउंड नंबर 1 की तरफ। तो इस राउंड में हम बात करेंगे इन दोनों ही पोकेमोनों के एक्सपीरियंस की, और देखेंगे किस पोकेमोन को है ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटल करने में। तो देखो अगर हम बात करें अपने ग्रेनिंजा की, तो सबसे पहले था एफ्रोकी, फिर फ्रोगेडियर, फिर ग्रेनिंजा, और इसके पास एक फॉर्म भी है जिसे बोलते हैं हम एस ग्रेनिंजा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इसके पास काफ़ी सारे एवोल्यूशंस थे, और साथ में इसने ऐसे साथ काफ़ी बैटल्स की हैं, और काफ़ी पावरफुल पोकेमोन्स को भी हराया है और एक्सपीरियंस गेन किया है। और हमें भी पता है यार कि जो हमारा एस ग्रेनिंजा था इसने ऐसे पोकेमोन्स को भी हराया है जिन्हें हराना काफ़ी हार्ड होता है ग्रेनिंजा के लिए। और वहीं पर अगर हम बात ने अपने ड्रैगनाइट की, तो ड्रैगनाइट अभी नया था और इसने भी ज्यादा बैटल्स नहीं किए, और जितने बैटल्स किए हैं वो ज्यादातर टीम अप के साथ किए हैं, दूसरे पोकेमोन के साथ मिलकर किसी पोकेमोन को हराया है। और फिर भी अगर जो ड्रैगनाइट है ये और भी बैटल्स करता है, तो जब भी जो हमारा ग्रेनिंजा है ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसके पास एक फॉर्म भी है इस ग्रेनिंजा वाली। तो इस तरीके से हमें अच्छे से पता चल जाता है कि काफी कमी पोकेमोन हो सकते हैं जो कि एज ग्रेनिंजा के बराबर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसे पोकेमोन से बैटल की है जो कि जिनकी टाइप उसके सेम अपोजिट थी और उन्हें भी हराया भी है। तो इस तरीके से हमारा एस ग्रेनिंजा के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बैटल करने का। और लेकिन वहीं पर जो हमारा ड्रैगनेट है अब इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और शायद ये एक्सपीरियंस इतना गेन करने में काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है उसे, और शायद ना भी कर पाए। और आपको इस बैटल के बारे में क्या लगता है कि दोनों ही पोकेमोनों में से कौन पोकेमोन जीत सकता है, कमेंट में ज़रूर से बता देना, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा एस ग्रेनिंजा ही जीतेगा उसकी एस ग्रेनिंजा वाली फॉर्म की वजह से। और बाकी जो हमारा ये ड्रैगनेट है ये भी वीक नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है गैलार में। और आपको इस पोकेमोन के बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर से बता देना। तो आज की वीडियो होती है यहीं पर खत्म, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।